Live one day at a time. Put one brick in a day. Now से बड़ा शब्द हमारी डिक्शनरी में कोई और नहीं है। जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है बस वही वर्तमान है। दुनिया का कोई बॉलर एक बार में दो बॉल नहीं फेंक सकता। कैसे होगा हमसे, कैसे हो पाएगा? चाहते तो हैं कुछ बड़ा करना, कोई कंपटीशन बीट करना, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य अचीव करना, कोई बुक लिखना, किसी फिल्म का प्लॉट तैयार करना, वेट लूज करना, या फिर किसी भी जायज तरीके से एक बड़ा आदमी बनना। पर आसान थोड़ी है, वो और लोग होंगे जो कर गुजरते होंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो बहुत मामूली हैं, ये सपनों का महल खड़ा करना हमारे बस की बात नहीं है। क्या लगता है आपको, ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया के बड़े से बड़े कामयाब आदमी को यही घबराहट हुई थी जब पहली बार कुछ बड़ा करने का विचार उसके मन में आया था। नाम गिनवाता हूं, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, कपिल देव, बिल गेट्स, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, और अगर नजदीक के उदाहरण देखते हैं तो नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, पराग अग्रवाल, सुंदर पिचई, इन सब की जीवन गाथा के पन्ने पलट के देख लीजिए। शुरुआत में सब उतने ही घबराए हुए थे जितने आप, लेकिन एक दिन अचानक इनको एक फॉर्मूला मिल गया, एक मंत्र, एक मंत्र जो 30 साल पहले मुझे भी मिल गया था और जादू की तरह उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। लिव वन डे एट अ टाइम, पुट वन ब्रिक इन अ डे। ईश्वर रोज हमें जीने के लिए सिर्फ एक दिन देता है, तो उस एक दिन में हम 2, 4, 10 बरस क्यों जीना चाहते हैं? ये तो प्रकृति के बनाए हुए डिजाइन को चैलेंज करना हो गया, और प्रकृति को चैलेंज करके आज तक न दुनिया में किसी को सुख मिला है न सफलता। आज आपको इस बात की चिंता क्यों करनी है कि कल क्या होने वाला है? छोड़िए ये फिक्र कि सपनों का आलीशान महल कैसे बनेगा। आज सिर्फ एक ईंट रख दीजिए, सिर्फ एक ईंट काफी है। भूल जाइए ये चुनौती कि आपको पहाड़ जैसा सिलेबस खत्म करना है। सिर्फ 10 पन्ने पढ़ लीजिए आज और उतार लीजिए अपने अंदर, काफी है। क्यों सोचना कि 20 किलो वजन कैसे कम होगा? आज एक दिन अच्छी डाइट कीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए, बस हो गया। लिव वन डे एट अ टाइम, पुट वन ब्रिक इन अ डे। और फिर एक दिन आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सपनों का आलीशान महल खड़ा हो गया, और वो वेट स्केल जो आपको डराती थी, आज वही आपको देखकर मंद मंद मुस्करा रही है। सब कुछ इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बना लिया है। दिमाग, ब्रेन, ब्रेन से ज्यादा बदमाश इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में कोई और नहीं है। यह बना इसलिए था कि आप इसका यूज करें, लेकिन होता यह है कि यह आपको यूज करता है, जैसा चाहता है आपको नचाता है, बड़े बड़े टारगेट सामने रख के आपको डराता है। एक बार डांट के चुप करा दीजिए अपने दिमाग को और खुद से वादा कीजिए कि अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक कदम रोज बढ़ाएंगे, सिर्फ एक कदम, न कम न ज्यादा। मैंने यही किया, कभी यह नहीं सोचा कि मुझे अगली फिल्म मिलेगी या नहीं, अगला गीत मिलेगा या नहीं। एक गीत जो मिला उसी को लिखने के लिए दिल के खून में कलम डुबो दी। बस यही गीत सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। इसे कहते हैं प्रेजेंट में जीना, और सक्सेस का इससे बड़ा कोई मंत्र दुनिया में बना ही नहीं है। नाउ, इससे बड़ा शब्द, सिर्फ 3 लेटर्स हैं इस शब्द में, NOW, लेकिन नाउ से बड़ा शब्द हमारी डिक्शनरी में कोई और नहीं है। जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है बस वही वर्तमान है। बाहुबली का पहला संवाद लिखते हुए अगर मैं ये सोच लेता कि इतनी बड़ी फिल्म पूरी कैसे होगी, क्या मैं अच्छा लिख पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आगे रास्ता भटक जाऊं, अरे आज तो सिर्फ 2 सीन लिखने हैं, पूरी फिल्म थोड़ी। सिर्फ उन 2 सीन्स पर फोकस किया और लाइफ आसान हो गई।
सचिन पहला मैच खेलते हुए अगर ये सोच के डर जाते कि 100 सेंचुरीज कैसे बनेंगी तो बैट फेंक के भाग खड़े होते, पर सोचा यही होगा कि ये एक मैच खेलते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये एक बॉल जो अभी आने वाली है इसका सामना करते हैं, पूरी इनिंग एक साथ थोड़ी खेलनी है। दुनिया का कोई बॉलर एक बार में दो बॉल नहीं फेंक सकता, ऐसे ही दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं है अगर आप उसे इकट्ठा करके जोड़ के ना देखें। लेकिन होता यही है कि हम सारी बाधाओं को एक साथ अपने सामने रख देते हैं, एक एक ईंट जोड़कर पहाड़ खड़ा कर देते हैं और फिर वो पहाड़ देखकर घबरा जाते हैं कि ये पहाड़ पार कैसे होगा। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी बनाकर आप फंसता है और सारी रात फिर जगता न सोता है। हम ये सोच लेते हैं कि बॉलर आज सारी बॉल्स एक साथ फेंक देगा, ऐसा हुआ है क्या कभी, ऐसा हो सकता है क्या कभी। बाधाएं आएंगी पर एक एक करके, एक साथ नहीं, और एक एक करके तो हम किसी भी चुनौती के छक्के छुड़ा सकते हैं। जो कल होने वाला है उसका टेंशन आज मत लीजिए, क्योंकि जो आप आज करेंगे उसके बाद पूरी संभावना है कि कल आने वाली मुश्किल अपने आप गायब हो जाए। एक और बात, कामयाबी का गणित कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होता है, समझाता हूं। मान लीजिए आप डेली वेज वर्कर हैं, पहले 10 दिन कमर तोड़ मेहनत के बाद आपको मिले सिर्फ 1,000 रुपए। 10 दिन का मेहनताना सिर्फ 1,000 रुपए बहुत कम है, लेकिन 11वें दिन, सिर्फ एक दिन में आपको 1,000 रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि 10 दिनों का तजुर्बा आपके काम आएगा और इन 10 दिनों में आपने अपने एम्प्लॉयर की नजर में एक अच्छी मेहनतकश इंसान की रेपुटेशन बढ़ा ली है, साथ ही आपकी स्किल्स भी निखर आई हैं, और जितने आप स्किल्ड उतने अमीर, यही रूल है। तो छोटी शुरुआत करने से बिल्कुल ना घबराएं, कोई भी शुरुआत कहीं से भी हो, शुरुआत का महत्व है। ये वीडियो यहीं तक, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक दो बातें आपके अंदर उतर चुकी होंगी, लिव वन डे एट अ टाइम एंड सक्सेस वॉक्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका